की इस तरह करो, बंद करो। टारगेट किलिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो। मासूम बेतेजर बंद करो, बंद करो, बंद करो। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाओ। जम्मू का एक एम्प्लॉय जो कश्मीर में रहने वाला था, उसके पास दो बच्चों को और छह लोगों को और। एलजी साहब, कितने लोगों को मौत के घाट के उतारोगे? सिक्योरिटी का जिम्मा एलजी साहब का है, सिक्योरिटी का जिम्मा पीएचसी साहब का है, सिक्योरिटी का जिम्मा आईजी साहब है। हम कब तक ऐसी किलिंग को सहते रहेंगे? टारगेट किलिंग आठ बजे हो रही है। एलजी साहब, आपको ये बता दूं, आपको यहाँ पे यूपी बिहार की कंपनियों को लाकर काम दिलवाने के लिए नहीं रखा गया है। आपको ये भी याद होना चाहिए, सिक्योरिटी का जिम्मा भी आपका है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी साहब से आग्रह करता हूँ, ऐसे एलजी हमें हर चीज नहीं चाहिए जो कि हिंदुओं की हत्या बार बार रही हो और एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो। मैं अगर पुलिस की मुखालफत करता हूँ तो मैं पुलिस की तारीफ भी करता हूँ। जिस तरह हमारी कठुआ पुलिस काम कर रही है, जिस तरह से उन्होंने आए दिन बॉर्डर पे जो पाकिस्तान से ड्रोन से हथियार भेजे जा रहे हैं वो पकड़े गए हैं। कठुआ में बिलावर से आईडी बरामद किया गया। हम पुलिस की सराहना भी करते हैं जो लोग अच्छे काम करते हैं, लेकिन जो एसएसपी, जो डीआईजी, जो रेंज है, वहाँ के आईजी सब फेल हो गए। हमें बहुत दुख है और दुख के साथ हमें रोड पे आना पड़ रहा है, ताकि आज हिंदुओं को आई कार्ड देख कर मारा जा रहा है, उनका आधार कार्ड चेक करके मारा जा रहा है। दस लाख से क्या हम किसी के परिवार की भरपाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आज हमें जानना होगा, ये खाली पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, प्रत्येक व्यक्ति की, जम्मू कश्मीर के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है पुलिस से मिलकर काम करें। आज देख लीजिए, बॉर्डर से जम्मू तक शुरू हो जाइए, आज जितने भी मोबाइल स्मगलिंग हो रही है पुलिस के नीचे तले हो रही है। मोबाइल स्मगलिंग से जो पैसा आता है उससे चिट्ठा खरीदा जाता है, उससे बम हथियार खरीदे जाते हैं, फिर ऐसे मासूम लोगों पर अत्याचार किया जाता है। मैं इसको बहुत ही तरह से गलत समझता हूँ और कंडेम करता हूँ, और माननीय अमित शाह जी से आग्रह करता हूँ ऐसी स्थितियों में निरंतर रखा जाए, नहीं तो जम्मू कश्मीर का प्रत्येक व्यक्ति भी हथियार उठाने पर मजबूर हो जाएगा। जय हिंद। चोरी में ये जो घटना घटी और आधार कार्ड देख के जिस तरीके से माइनॉरिटी को, हिंदू समाज हो, उनको टारगेट किया गया, ये बड़े ही शर्मनाक है। और पिछले दिनों में 15-20 दिन पहले भी रजौरी में एक आर्मी कैंट में हमला हुआ, वहाँ पे भी दो नौजवान हमारे मारे गए। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन थी, ये एसएसपी रजौरी का और वहाँ के जो डीआईजी सिक्योरिटी फोर्सेस का, ये उनका एक फेलियर है। अगर वो पहले भी अलर्ट रहते और ये छः मासूम जो जाने हम उनको बचा सकते थे। और सिर्फ कठुआ ही नहीं, हर तरफ जम्मू कश्मीर में इसका प्रोटेस्ट हो रहा है और निंदना हो रही है, क्योंकि इसके पीछे पाकिस्तान है और ये प्रशासन का एक किस्म का फेलियर है। प्रशासन को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और एलजी साहब जो यहाँ पे बैठे हुए हैं उनको देखना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इतना ही कह देना हमदर्दी जता देने से, जिन छह लोगों ने अपनी जान खोई है, जिन परिवारों ने अपने लोग खोए हैं, वो वापस नहीं आ सकते। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। कारण हरकत है, वैसे जो सिक्योरिटी के जानकार लोग हैं उनका ये कहना होता है कि आतंकवाद जब निहत्ते लोगों पर अटैक करता है तो इसका मतलब है उसकी कमर लास्ट में टूटने वाली है, ये उनका मानना है, क्योंकि वो सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करने में असफल रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, लेकिन हम चाहे एक आदमी राष्ट्रवादी क्यों ना, उनको इसलिए मारा गया कि वो भारत माता की जय बोलने वाले लोग थे, इसलिए उनको टारगेट किया गया। उनका कोई दोष तो है नहीं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अब रस्सी जल गई, बल नहीं जा रहा, वो खुद कंगाली के दौर वेस्टर्न उसका बॉर्डर जो है पूरी तरह से डिस्टर्ब है, लेकिन फिर भी वो अपनी हत्या जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। मैं फिर भी कहूँगा कि ये जो कहीं ना कहीं हमारा विपक्ष है,
मैं उस पर भी बात करूंगा कि विपक्ष के लोग, एकमात्र देश हमारा है भारत, जो भारतवर्ष, जहां विपक्ष आतंकवाद भी जो है पर भी जो अपनी वोट की रोटियां सेकता है। आज राहुल गांधी जो है वो भारतीय यात्रा, जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन भारत को तोड़ने वाले लोगों के साथ वो खड़े हैं। मैं कहें वो चाहे वो GNU में जो भारत तेरे टुकड़े होंगे उन लोगों के साथ हो, या यूकू मेनन की फांसी हो, या कोई और हो, हमेशा कांग्रेस ने उन लोगों का साथ दिया। और इसकी जड़ भी अगर कहूँ तो कांग्रेस ही तो है। 47 में जो उन्होंने गलतियाँ की, नेहरू ने गलतियाँ की, उसका खमियाजा आज भुगत रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि हमारे अपोजिशन के लोग, मैं ये कहूँगा चाहे वो फारूकदुल्ला हो, चाहे वो उमरदुल्ला हो, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, महबूबा मुफ्ती का जो बयान है वो तो बहुत घोर निंदनीय है। मैं तो कहूँ तुरंत उसको जेल में डालना चाहिए, जो कहती है इसका फ़ायदा हिंदुओं का बनने का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी या कोई और भी हो, हम उसको डिफेंड करने नहीं यहाँ पे आए। लेकिन ये कहूँगा कि वो कभी आतंकवाद पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। यही लोग हैं जो आतंकवादियों के घरों में जाते हैं। और फारूकदुल्ला जो 1990 में खुद भाग गया था जब आतंकवाद हुआ था, और इसने इसकी अपने वर्ड हैं कि भाई पाकिस्तान में जाकर ट्रेनिंग लो, ये दोगले लोग हैं, मैं इनको वाइट कॉलर जिहादी कहता हूँ। ये वाइट कॉलर जिहादी हैं जो लोग जो आतंकवादियों के भी साथ हैं और कहीं ना कहीं यहाँ डोंग करते हैं लोकतंत्र का। इसलिए मैं कहूँगा इन वाइट कॉलर जिहादियों को ठीक किया जाना चाहिए। और ये भी कहूँगा कि आज आतंकवाद जो है वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, लेकिन सरकार को चाहिए कि जो इनके ओवरग्राउंड वर्कर हैं उन पर कठोरता से जितनी सख्ती हो सकती है उतनी तरीके से वार करें, तभी ये हालात जो हैं पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएंगे।